हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त निखिल आज लेके आया हूँ फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू रीड पीपल्स माइंड, यानी कि दूसरों के मन की बात कैसे जाने। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम यह जान सके कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, वह हमें अच्छा मानता है बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें या नहीं। इन सब बातों को यूँ ही समझ पाना मतलब दिमाग पर जोर डालने जैसा है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि काश हमें कोई ऐसा जादू या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने की कला आती हो जिससे हम उनके दिल और दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकें। ऐसे में हमें ना तो कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कभी देने की कोशिश भी करेगा। लेकिन इसके लिए कोई जादू ही क्यों, क्या कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम यह जान सके कि लोगों के मन में क्या चल रहा है या फिर उनका स्वभाव कैसा है। ऐसी तकनीक है, जी हाँ दोस्तों, ऐसी तकनीक है जिसे हर कोई जान सकता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अगर आप इस तकनीक को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। हो सकता है कि यह वीडियो ज़रा सा लंबा हो, लेकिन अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आप दिमाग पढ़ने में गलती कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। एक ऐसी तकनीक है जिसे आप जादू का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन यह असल में कोई जादू नहीं। यदि आप यह सीख जाए तो पलक झपकते ही सामने बैठे इंसान की मनोदशा को आप जान सकते हैं। हाँ, लेकिन इस कला को सीखने के लिए वक्त लग सकता है। आपको लगता होगा कि निखिल कुछ ऐसी तकनीक बताएगा जिससे हम ध्यान लगाकर अपने दिमागी तरंगों का इस्तेमाल करके दूसरों के मन की बात जान सकेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। अब दिमाग के सामने कोई एक्सरे मशीन या फिर स्कैनर तो लगा नहीं होता कि दिमागी तरंगों का अनुवाद करके आपको अंदर की बात समझा सके, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसी के भी दिमाग को। तो इस वीडियो में ऐसे ही आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपको ऐसा करने के लिए मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रिक को समझने से पहले आपके अंदर एक खूबी होना बेहद आवश्यक है, और वो है एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन पावर। यह जानने के लिए आप चीज़ों को कितनी सहनशीलता से लेते हैं, उन पर कितना ध्यान देते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है, इन सभी सवालों के जवाब पाना बेहद ज़रूरी है। अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाए इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। यदि आप इस टेस्ट में फेल होते हैं तो आप कभी भी किसी के दिमाग को पढ़ने की कला नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आँखों के साथ साथ अपने कान और दिमाग खुला रखना है तथा साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करना सीखे। यहाँ आकर्षण का मतलब केवल वही नहीं जो आप समझ रहे हैं। सही आकर्षण वही है जो किसी की भी ओर हमारे मन को तथा दिमाग को ले जाता है। मतलब कि यदि आप अपने सामने बैठे इंसान को केवल अपनी ही बातों में लाना सीख ले तो आप आगे उसके दिमाग को भी पढ़ सकते हैं। अब किसी का दिमाग पढ़ना है तो वह व्यक्ति आपके साथ बैठना भी तो चाहिए ना, इसीलिए सबसे पहले आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना सीखे। अब केवल अपनी ओर आकर्षित करने के बाद ज़रा उसे कम्फर्टेबल फील कराए, यानी कि आपके साथ होते हुए या आपसे बात करते हुए वह हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसकी हिचकिचाहट उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर देगी जिससे वह सच की बजाय झूठी बातें बताने पर ध्यान लगा सकता है। किसी ने सही कहा है कि एक भाषा सारे कार्य को बना देती है, इसीलिए आप उसे कंफर्टेबल फील कराएं जिससे वह उसकी सारी बातें आपसे शेयर कर सके। यदि आप अपने तरीके से किसी से बात करेंगे तो शायद यह सामने वाले इंसान के दिमाग में उतर भी जाए, लेकिन उसकी समझ की भाषा में बात करने से वह बातें उसके दिल में उतर जाएंगी और वह आप पे विश्वास करने लगेगा। उससे वैसे ही बात करें जैसे कि वह पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इसके पीछे कोई स्वार्थ नज़र नहीं आना चाहिए। अब जब वह पूरी तरह से आपको समझने लगा है तो वह काम शुरू कीजिए जो आप जानना चाहते हैं। सीधे कोई सवाल करने से बचे, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल एक ही जवाब पा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शराब पीता है या नहीं। यदि आप सीधा सवाल पूछें जैसे कि
तुम शराब पीते हो, तो वह व्यक्ति आपको कभी भी नहीं बताएगा। इसके बजाय आप उसे कंफर्टेबल करके इसी सवाल को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछिए, जैसे यार मेरे दोस्त और मैं जब भी वक्त मिले हम दिल खोल के शराब पीते हैं, तुम भी मेरे दोस्त ही हो, क्या तुम हमारे साथ शराब पीने के लिए चलोगे? अब ऐसा कहने पे आप 100% जान सकते कि वह इंसान शराबी है या नहीं। अब जब वह इस सवाल का जवाब दे तो उसके लफ्ज़ों के साथ उसकी शारीरिक आकृति क्या बन सकती है और क्या क्या बनती है यह ज़रूर देखें। अब आपने जवाब तो पा लिया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वह इंसान सच बोल रहा है या झूठ। तो यह जानने के लिए आपको उसके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। क्या वह आपसे बातें करते समय आंखें मिला रहा है? क्या वह बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है तथा साथ ही पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है? तो वह वाकई में आपसे कुछ नहीं छिपा रहा और सारी बातें सही बता रहा है। लेकिन इसके विपरीत उसकी एक हिचकिचाहट उसके झूठ का पर्दाफाश करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर हिचकिचाने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि सच को बयां करते समय भी वह हिचकिचा रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे कपकपाती हुई आवाज़ से नॉर्मल आवाज़ में आते हैं। लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा, यह देखते रहना होगा कि वह सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या फिर सच में पकड़े जाने के भय से वह आंखें मिलाने से आपसे डर रहा है। सच और झूठ बोलते समय ना केवल एक इंसान की आवाज़ बल्कि उसके शारीरिक अंग भी कई तरह के लक्षण बयां करते हैं। सच बोलने वाला इंसान किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत रखता है, उसे आंखें चुराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान आंखों में देखने की बजाय इधर उधर देखता है। याद रखना दोस्तों, सच बोलते समय हाथ या पाँव कभी कांपते नहीं हैं। हो सकता है कि शुरू में यह कोई बड़ा सच बोलने की हिचकिचाहट को दर्शाते हो, लेकिन धीरे धीरे सच स्वयं ही उन्हें हिम्मत दे देता है। लेकिन झूठ बोलने वाला या कुछ छिपाने वाले लोग अक्सर अपने शारीरिक अंगों पर से नियंत्रण खो देते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब उनके हाथ कांपने लगे, पाँव बिना किसी वजह से हिलने लगे और नर्वस हो जाते हुए वो कभी कभी हाथों को खुजाने भी लगते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तो लोग ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इस मामले में भी काफ़ी तेज होते हैं। वे झूठ को भी सच बनाना जानते हैं। उनकी आंखें या शारीरिक अंग उनके झूठ को कभी दर्शाते नहीं हैं। इसके पीछे उनमें झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस भी शामिल है। ऐसे में शायद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग आपकी नज़रों से बचकर निकल जाएंगे। और आपको ये बता दूँ कि ऐसे लोग आप तभी पहचान सकते हैं जब आप इस क्षेत्र में माहिर बन जाओ, और यह तभी संभव है जब आप इस तकनीक की निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, ये थी वह तकनीक जिससे आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में आए घंटे को ज़रूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।